अच्छा ये कौन खाएगा कैरेट कैरेट ये फेवरेट कैरेट वन मोर सो हेलो फ्रेंड्स विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन और एज लाइक आप सबको पता है कि विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और ठंड काफ़ी बढ़ गई है आफ्टर रेन सो जैसे हमें अपनी केयर करनी चाहिए विंटर में सेम वे हमें अपने डॉग्स की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए क्योंकि दे आर आल्सो आर फैमिली मेंबर ये हमारे फैमिली मेंबर की ही तरह होते हैं और छोटे बच्चे की तरह ही इन्हें हमें रखना पड़ता है सो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने डॉग के लिए विंटर का सूप बना सकते हैं सो ताकि वो आपके डॉग को वार्म रखे हेल्दी रखे सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो और आज आपको दिखाएंगे विंटर सूप फॉर डॉग और काफ़ी इजी है वो बनाना एंड होप सो मफिन को भी पसंद आएगा सो वी विल स्टार्ट विद द विंटर सूप राइट मफिन हाय तो बोलते इस सूप के लिए आपको चाहिए चिकन ये मैंने क्लीन किया हुआ है कट करके इसे धो के क्लीन करके रखा हुआ है और ये है कैरेट कैरेट जो कि मैंने क्लीन करके पूरा और डाइस किया हुआ है ये है फ्रोज़न मटर और ये हमें सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट के लिए चाहिए क्योंकि मटर खा लेते हैं मफिन सो आपके डॉग को जो जो वेजिटेबल्स पसंद हैं वो आप सूप में डाल सकते हैं मफिन को ज़्यादातर कैरेट पीस पसंद है और चिकन उसका फेवरेट है सो मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें सो चलिए बनाते हैं विंटर सूप फॉर डॉग सो आपको चाहिए पैन और उसमें पानी डालिए ताकि चिकन बॉईल हो जाए हियर वी गो और फ्लेम को थोड़ा आप मीडियम ही रखिए नॉट सो मच ज़्यादा हाई पे नहीं रखना हमने मीडियम फ्लेम में कुक करना है और अब आपको एक एक करके चिकन पीसेस में डालने हैं सो आपको एक चिकन स्टॉक सा बनाना है तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 3 चिकन पीसेस डाल रही हूँ मफिन के लिए दीज आर द चिकन पीसेस और इसको हम थोड़ा सा श्रेड करेंगे जब ये बॉईल हो जाएगा और हियर वी आर सो हम इसे अभी बॉईल होने देते हैं चिकन को सो चिकन ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है यू कैन सी और इसमें वाइट एक्लेयर सी भी आ गई है जिसको हम निकाल देंगे क्योंकि दिस इज नॉट गुड एक्चुअली ये थोड़ा सा फैट सा भी होता है वी कैन सी बट इसको हम निकाल देंगे ताकि हम इसको क्लियर रखें और फ्रॉथी ना हो फ्रॉथ जैसा ना हो सो इसको हम निकालते हैं और चिकन एक बार देख लेते हैं अंदर से प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं तो ये जो वाइट इंप्योरिटी थी वो हमने निकाल दी है सारी चिकन से आपको यू कैन सी कि चिकन प्रॉपरली अंदर से कुक हो चुका है अच्छे से और अब हम इस स्टेज पे मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स मटर एंड कैरेट और इसको दोबारा
कुक करेंगे फॉर 5 to 10 minutes ताकि वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। मैंने बीच में थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि इससे थोड़ा चिकन जो है इजीली कुक हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। सो जस्ट अ पिंच, इससे ज़्यादा आप नमक ना डालें। सो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं मटर और गाजर। अब हमें इसे ऑफ करना है। यहाँ पे रख के इसे मैं मैश करती हूँ। अगर आपको थोड़ा और थिक करना है अपने पपी के लिए, अपने डॉग के लिए, तो इसमें आप आधा आलू मिला सकते हैं जिससे हल्का सा काढ़ा भी हो जाएगा। सो मैं थोड़ा सा पतला ही रखूँगी क्योंकि मफिन को मैं चाहती हूँ कि वो वेजिटेबल ज़्यादा खाए और चिकन उसका पेमेंट है ही, सो ये खा लेगी। ट्राई टू मैश इसको जितना अच्छे से हो सके, आप मैश करें चिकन को भी जितना हो सके, आप उसको थोड़ा सा श्रेड करें जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ सेम वे। सो मैश करने के बाद ये ऐसा लग रहा है, यू कैन सी अभी बिल्कुल एक सूप की तरह इसकी थिकनेस हो गई है। अब इसे रूम टेम्परेचर में रखना है आपको ताकि आपके डॉग का मुँह ना जले। गर्म गर्म सर्व मत करिएगा, रूम टेम्परेचर पे ही सर्व करना। हल्का सा ल्यूक वॉर्म गुनगुना जिसको कहते हैं वैसा होना चाहिए, वैसा आप दे सकते हैं। सो ये बन गया है मफिन का सूप और अब हम इसे सर्व करेंगे मफिन को और वो काफ़ी एक्साइटेड है मुझे लग रहा है। यहाँ वहाँ घूमने में लगी है मफिन, ईगरली उसे ये सूप चाहिए। जंपिंग मफिन, आर यू एक्साइटेड? यस। और ये गई मफिन सीधे बाउल के पास। एंड मफू, आर यू लाइकिंग दिस? ज़्यादा कॉर्नर में हो गए हो तुम, कम हियर। यस मफिन को सूप काफ़ी पसंद आया है और थोड़ा सा यहाँ पे भी गिरा दिया है, वहाँ पे भी गिरा दिया है, राइट मफिन? सो मफिन इज एंजॉयिंग द सूप और उसे काफ़ी पसंद आ गया है। ऑफ कोर्स पसंद आना ही था क्योंकि उसमें चिकन मिला हुआ है एंड आप सबको पता ही है कि डॉग्स को चिकन कितना पसंद होता है। सेम वे ऐसे ये वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, प्लस इनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये सूप। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये सूप भी काफ़ी पसंद आया हो आपको। इजी है बहुत ज़्यादा, आप अपने डॉग के लिए कभी भी बना सकते हैं और इसमें इतना हार्ड वर्किंग कोई काम नहीं है। जस्ट चिकन बॉईल करना है, वेजिटेबल्स बॉईल करनी है, पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा वो भी सिर्फ नाम का, एंड आपके डॉग के लिए सूप हो जाएगा। और विंटर में आपका डॉग भी आपके साथ कंपनी दे सकता है सूप में। सो नाउ वी आर एंडिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मफिन की आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और मफिन को इतना ज़्यादा पसंद आ गया है सूप की यहाँ वहाँ गिरा रही है मैडम। So we are now saying bye and don't forget to comment on the comment section box ताकि हमें ये पता चले कि आपके डॉग को ये सूप पसंद आया या नहीं। So bye bye माफू, all busy, सारा खा गई। Look at her. Okay, bye bye friends.